नमस्कार, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्या। इस वीडियो के माध्यम से रिकॉन्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन मतलब कि आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। पहले इंग्लिश में लिखिए, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन। हिंदी में लिख लीजिए, आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। क्या लिखेंगे? आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियां। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब, इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन का मतलब मैंने बेहतर तरीके से बताया है पीछे। कैरेक्टर मतलब विशेषताएं बताया है मैंने, क्या क्या होता है उसमें। तो विधियों में सबसे पहले लिखना है, नंबर एक, अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला लिखना है अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में परिवर्तन, मतलब कि मैंने आपको बताया है इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है? बदलाव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, शेयर में जो शेयर कैपिटल है इसमें क्या कर दिया जाता है? इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन मतलब होता है अल्टरनेशन, मतलब होता है बदल दिया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है रिकॉन्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी में परिवर्तन। मैंने क्या बताया, कोई कंपनी है वो अपने बिजनेस को चला रही है, अचानक से धराशाही हो जाए, अचानक से घाटे में आ जाए, तो अपने आप को इम्प्रूव करती है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई करने में कोई कमी रह गई, तो आप अपने आप को खुद ब खुद इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वैसे कंपनी है, कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, कंपनी की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को परिवर्तित कर देती है, अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। तो शेयर कैपिटल में ए ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में लिखना है इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी को बढ़ाना, अधिकृत पूंजी को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा,
कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैसे परिवर्तित करती है, कैसे बदलती है? इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल कम थी, वो क्या करती है, अपने पार्षद सीमा नियम में बदलाव करके, पार्षद सीमा नियम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, बदलाव करके अपने शेयर कैपिटल को, ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा देती है। पेपर में आपके पूछता है छोटे छोटे क्वेश्चन में, ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं? अब आप देखिए, बीच में ही ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल होती है जिस कैपिटल में से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इंक्रीज के बाद कहता है कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, बी कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, अंशों को स्टॉक में बदल देती है, अंशों को स्टॉक में बदल देती है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर को किस में बदल देती है, स्टॉक में बदल करके क्या करती है, इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण करने का काम करती है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर कैपिटल मतलब कि अनिर्गमित अंशों का बोला गया है विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलोपन, मतलब कैंसिलेशन कर देना। ध्यान दीजिएगा, शेयर कैपिटल किसे कहा, ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल जो जनता के लिए, ठीक है, जो जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद ऑथराइज के बाद आता है इशू, इशूड कैपिटल वह कैपिटल होता है जो जनता के लिए शेयर, पब्लिक के लिए शेयर इशू कर दिया जाता है, और जो नहीं इशू किया गया है उसको क्या करती है कंपनी, कैंसिल कर देती है। ध्यान दीजिएगा, कैंसिल कर देती है इशू आप शेयर वाले में, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बारे में बहुत सटीक तरीके से मैंने बताया है, और शेयर कैपिटल से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन के अलावा शेयर कैपिटल का जो काम है, जो ध्यान दीजिएगा, जो शेयर कैपिटल का काम है वह बैलेंस शीट बनाते समय आता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको लिखना है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ए बी सी डी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ अ लार्ज अमाउंट, इनटू शेयर ऑफ द लार्ज अमाउंट। इसमें आपको लिखना है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समाकल, कम मूल्य वाले
अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन जो कम मूल्य वाला शेयर होता है उसको अधिक मूल्य वाले शेयर में बदल दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, लिखने पड़ेंगे, याद रहेगा तभी पेपर में लंबे वाले क्वेश्चन 20 नंबर 25 नंबर 15 नंबर वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे, पेपर में पूछ लेगा। तो नहीं याद है तो बच्चे पहली बात तो ध्यान ही बहुत कम देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी के बाद ई आपको ध्यान देना है। कहता है सब डिवीजन ऑफ शेयर सब डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। हिंदी में लिखना है विद्यमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में, जो विद्यमान अंश हैं अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभक्त करना। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन कैसे करती है कंपनी, विधि क्या है, नियम क्या है। पहला है अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी में परिवर्तन। कंपनी अपने शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर देती है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बदल देती है, ठीक है। इंक्रीज इन एथराइज्ड कैपिटल, अपने एथराइज्ड कैपिटल को कंपनी बढ़ा करके रिकॉन्ट्रक्शन करती है। कन्वर्जन ऑफ शेयर इन स्टॉक, अपने शेयर को स्टॉक में बदल देती है। कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर कैपिटल, अन इशू शेयर कैपिटल ऐसे शेयर कैपिटल जो इशू नहीं किए गए हैं उनको कंपनी कैंसिलेशन में डाल देती है, कैंसिल कर देती है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ द लार्ज अमाउंट, कम मूल्य वाले अंशों का को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदल देती है शेयर कैपिटल के माध्यम से। सब डिवीजन ऑफ शेयर इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, जो अधिक मूल्य वाले अंश हैं उनको कम मूल्य में परिवर्तित कर देती है। पहला टॉपिक मैंने लिख दिया, इसको आप अपने कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड नंबर टॉपिक, ठीक है। आपको आगे अपनी कॉपी में लिखना है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, दूसरा नंबर। अब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करके, ध्यान दीजिएगा अंश पूंजी में कमी करके लिखा जाएगा, अंश पूंजी में कमी करके। जो अंश पूंजी है शेयर कैपिटल है उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगी, जिससे कंपनी, ठीक है, कमी कर दी जाएगी, कंपनी अपने अंश पूंजी को कम कर देगी। ट्रिब्यूनल आदेश के द्वारा प्रकाशन करके, रजिस्ट्रार को नोटिस भेज करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कहता है
कहता है किसी सदस्य पर किसी मांग या अंशदान का दायित्व नहीं। मतलब कि तीसरा नंबर होता है, हिंदी में पहले लिख देते हैं, किसी सदस्य पर मांग या अंशदान का दायित्व नहीं। कोई मेंबर है उससे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, उससे कोई मतलब कि पैसा वैसा नहीं मांगा जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, तीन हो गया, यही आपका मेन टॉपिक है। अब इसमें एक चीज़ और आता है, जर्नल एंट्री वगैरह आती है। जर्नल एंट्री भी आपको हम बताएंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री याद रहेगी तभी तो क्वेश्चन को हम और आप सॉल्व कर पाएंगे, बिना जर्नल एंट्री के तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको याद रखना है, अनकॉल्ड अनपेड कॉल को फुली पेड किया जाए। पहली एंट्री होती है पार्टली पेड को फुली पेड किया जाए। कहने का मतलब जो इशू किया गया है शेयर, उसमें जैसे हमारी कंपनी का 10 रुपये का शेयर है, मान लीजिए हम किसी कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, 8 रुपया पेड अप हो गया, मिल गया है, 2 रुपया बाकी है, तो पहले उसको मांगा जाता है, ठीक है। उसको मांगा जाता है कैसे, तो इसमें कह रहे हैं उसको फुल पेड अप बनाया जाता है, ठीक है। कभी कब और इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। इसकी एंट्री कभी कभी करना पड़ता है, तो जब एंट्री करना होगा तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस किताब में कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल फुली पेड, यहाँ होगा पैसा पार्टली पेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फुली पेड, ए एंट्री होगी। एंट्री लिख लीजिए तभी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद दूसरी एंट्री होती है, दूसरी एंट्री कहा गया है शेयर कैपिटल की पेड अप कुल भाग शेयर होल्डर को लौटाया जाए, रिटर्न टू शेयर होल्डर, अंशधारियों को वापस किया जाए। जब वापस किया जाता है शेयर कैपिटल में कमी आती है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, टू सन्ड्री शेयर होल्डर, मतलब ये देना है वापस करना है, तो वापस करना है तो शेयर कैपिटल में डेबिट होगा, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट हो क्रेडिट होगा। उसके बाद बी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि रिटर्न किया जाता है शेयर होल्डर को, कैपिटल में कमी की जाती है, जब कैपिटल में कमी होगी तो कैपिटल डेबिट होता है, शेयर होल्डर क्रेडिट होगा, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट होगा, पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है जैसे मान लीजिए इसमें ए आ हो गया, बा हो गया, सा में कहा गया है जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई उससे संबंधित रिजर्व अगर कोई है, प्रॉफिट लॉस कोई है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कोई है में, मतलब अगर कोई रिजर्व है, कोई फ़ायदा है क्रेडिट बाकी का, तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डी कहता है कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी उसी प्रकार की कमी लाई जाती है जैसे, कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आपको एंट्री लिखना है,
एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री मैंने आपको बता दिया। अब आपको आगे एंट्री लिखना है कि अपनी कॉपी में सा नंबर, एकदम साफ साफ बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, नियम कानून सी नंबर साफ साफ बता देते हैं ताकि आप कोई शिकायत ना कर पाए, ठीक है। सी नंबर हमारा कहता है, क्या कहता है सी नंबर हमारा कहता है, जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है, मतलब कि जिस शेयर होल्डर को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, ठीक है, जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है उससे संबंधित जर्नल रिजर्व यदि है, उससे संबंधित जर्नल रिजर्व अगर है, प्रॉफिट लॉस अगर है, ध्यान दीजिएगा, तो शेयर होल्डर अकाउंट की जगह नहीं, अगर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तार, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके बाद कैपिटल रिडक्शन के बाद आपको ध्यान देना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस अंश पूंजी में कमी लाई गई है उससे संबंधित अगर कोई जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व है में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको आगे ध्यान देना है डी, सी बोल दिया, डी में जो जो बोला है, कहा गया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट तथा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी कमी लाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब ज़्यादा दिमाग लगाना है, सिर्फ अभी लिखना है बस, ठीक है। अभी दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कहोगे पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दो तक बता दिया था, अब तीसरे पर आइए। जब अंश पूंजी में कमी पूंजी के नष्ट हुए भाव को अपलिखित करें, अंश पूंजी में कमी को अपलिखित किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, अंश पूंजी में जो कमी होगी उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन यहां पर लिख लीजिएगा, पूंजी की कमी से, किससे, पूंजी की कमी से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आगे लिखना है, यदि आगे कहा गया है पुरान, यदि अपलेखन के अंशों के पूर्णता परिवर्तित कर जाए, अपलेखन के अंशों के, अपलेखन के अंशों के विवरण में परिवर्तन हो जाए, अंशों के विवरण में परिवर्तन हो जाए,
तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद कमी खाता को कहा गया है, कमी खाता का प्रयोग संपत्तियों को अभिलिखित करने में किया जाता है, बनावटी संपत्तियों को जब समाप्त किया जाता है। को समाप्त किया जाता है, जब बनावटी संपत्ति को समाप्त किया जाता है तो एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस कुल मिला के, जैसे पेटेंट होता है, गुडविल होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट, अदर वो फिक्टिटस असेट्स का मामला होता है, यहाँ पर बनावटी संपत्ति का मामला होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी है बस, केवल अगर आप लिख लेंगे तो भाई सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कहा गया है किसी संभाव्य दायित्व का भुगतान करने पर एंट्री, किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन करने पर एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री इतना ही लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताने का कार्य करेंगे।